अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? यकीनन ठीक होंगे। रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा और रोज़े भी अच्छे से जा रहे होंगे। आज हम आपको कुछ इफ्तारी की चीज़ें बनानी हैं, हमने तो पहले भी बताई थी लेकिन वो सब हैं। इसके अलावा एक स्पेशल हम रेसिपी दे रहे हैं आपको, चिकन चाउमीन। और ये बहुत अच्छी बनती है और सबका दिल चाह रहा था कि इफ्तारी में कुछ डिफरेंट हो, तो हमने ये फिर बनाई और आपको रेसिपी मैंने दिखाई है, इन्ग्रीडियंट भी दिखाया। और बाकी ये क्या हमें आपके दुआ में जो याद रखिएगा। देखिए इसमें हम 2 चम्मच के करीब सिरका डाल दें, 2 चम्मच आप सोया सॉस डाल दें, 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डाल दें, 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें या गार्लिक पाउडर होते 1 चम्मच वो डाल दें। ये सफ़ेद तकनी प्याज तकनी मिर्च होती है ये डाल दें 1 चम्मच के करीब, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें, थोड़ा सा बस। इसको अब रख दें, 10-15 मिनट के बाद हम इसे दिखाएंगे कि हमने क्या करना है। देखिए इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया और इसमें हमें चिकन डाल दी जो मैंने मिक्स करके रखी थी। अब इस चिकन को इतना पकाना है कि डन हो जाए, 3 से 4 मिनट से पके। देखिए इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच के करिए गार्लिक चिली सॉस, काली मिर्च का पाउडर, नमक डाल के मिक्स करना है। अब इसको रख लें, अब हम अपने चिकन देख लेते हैं कि चिकन हो गई है या नहीं। ये आलमोस्ट डन हो गई है, बस हम इसको काट दें, जगह रखते हैं। मैं 1 चम्मच के करीब चीनी भी डालूँ, 1 डेढ़ चम्मच जितना आपको पसंद हो, नमक और चीनी, थोड़ी चीनी भी जाएगी इसके अंदर, उसको मिक्स कर दें। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दें, 1-2 चम्मच बहुत थोड़ा। इसके अंदर ये बंद गोभी है, गाजर है और शिमला मिर्च है और थोड़े से मैंने मटर भी लिए हैं। आपके पास जो चीज़ें आप वो डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास मटर है आप मटर भी डाल दें, नहीं है तो नहीं डालें। इनको ज़रा इसके अंदर हम कर लेंगे थोड़ा और उसके बाद निकाल लेंगे। देखिए इसमें हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने थोड़ा डाल दिया। इसमें मैं हरी प्याज डाल रही हूँ, इसमें हरी प्याज को आप थोड़ा तेल में कर लें। फिर इसके अंदर हम ये जो हमने स्पैगेटी उबाल के रखी थी वो डाल देंगे। देखें स्पैगेटी को अच्छे से इसमें कर लें। इसके बाद हम इसमें चिकन जो हमने बना के रखी थी चिकन ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें हमने ये जो चटनी या कहें सॉस इसको बना के रखा था वो डाल देंगे। तो थोड़ा मिक्स कर लें। देखें जब अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अब इसके अंदर ये जो सारी सब्जियां हमने पहले से करके रखी थी सारी वो डाल दें। आप सब्जियों को लंबाई में भी काट लें, ये मेरी छोटी काटी हैं, आप चाहें तो उसे बड़ा भी काट सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप चेक कर लें, अगर आपको थोड़ी स्पाइस कम लगे तो आप डाल दें नमक या काली मिर्च, वैसे तो ठीक है, लेकिन इसको 2-5 मिनट मिक्स करके दम पे रख देते हैं, फिर अभी निकालते हैं थोड़ी देर। तो गाइस अभी हम लोग इफ्तारी वाला बनाने वाले हैं, तो इफ्तारी के अंदर अभी हम लोग चीज़ें तलना शुरू कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले मैं ये तलना शुरू करूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे तलती हूँ। आई होप इतना गर्म हो, देखें गर्म नहीं है बट तेज़ कर दिया है हमने कि हो जाए गर्म। ये काफ़ी देर से रखा हुआ था बट आई थिंक उसके ऊपर रखा हुआ था कम फ्लेम पे, तो ये गर्म नहीं हो पाया। वैसा ये तीन मैंने डाल दिए हैं तलने के लिए, अभी इनको मैं तलूँगी और फिर मैं तल के आपको दिखाती हूँ ये कैसे निकलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने जो रोल हैं वो हमारे आ चुके हैं, अब हम समोसे डालेंगे तो फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस अभी हम लोगों ने समोसे डाल दिए हैं इसके अंदर, अब समोसे जब तल के निकलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ फिर कैसे हैं। और ये सारे समोसे घर के बने हुए हैं, कोई बाहर का बना हुआ समोसा। देखिए व्यूअर्स ये हमारे सारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है और ये हमने रखी है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो हम सब बनाते हैं, शरबत भी है, पापड़ है, ये सारे होम मेड चीज़ें हैं, चाट है, दूरे हैं, चिप्स है, कस्टर्ड है, और ये जो हमने स्पेशल बनाई थी चिकन चाउमीन आज स्पेशल बनाई है, आपको रेसिपी भी दी है, लेकिन है ना आप इसको बनाएंगे ट्राई करेंगे और ये बहुत अच्छी मज़े की बनेगी। और अभी तो रोज़े का टाइम हो रहा है तो हम लोग अभी रोज़ा इफ्तार करेंगे। देखिए व्यूअर्स अभी ये सब तैयार हो गया है, रोज़ा खुलने वाला है, रोज़ा खुलने में बस अब 5 से 6 मिनट हैं अभी यहाँ बैठ के। इस टाइम पर हम लोग को दुआएँ करनी चाहिए, इसीलिए हम अपना काम पहले कर लेते हैं टाइम को हम कंज्यूम कर सकें, अल्लाह ताला से जितनी हम दुआ मांगेंगे इस वक्त वो कबूल होंगी। आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और जो मैंने आपको एक स्पेशल रेसिपी सुनी है चिकन चाउमीन की, तो ज़रूर आप लोग बनाएं, उसको ट्राई करें और बहुत माशाल्लाह अच्छी बनेगी और आप लोगों को रोज़े के बाद इफ्तार में बहुत अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि मेरी वीडियो जो है लोग कहते हैं कि हमें नहीं मिल रही होती, तो आप बेल आइकॉन दबाएँगे तो वीडियो ज़रूर आपको सबसे पहले मिलेगी। आप किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।